और सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अयोध्या जनपद के परिषदीय स्कूलों के अधिकतर बच्चों को जूता मुझे स्वेटर नहीं मिल सके हैं। ऐसे में उन्हें ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ सकता है। जिले के परिषदीय विद्यालय में लगभग 2,75,649 बच्चे पंजीकृत हैं। सहायता प्राप्त और मदरसे के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजे व स्वेटर का इंतजार है। शिक्षा विभाग से धनराशि स्वीकृत हुई है, लेकिन DBT के तहत बच्चों के अभिभावकों के खातों की जिला स्तर पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से तमाम तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई अभिभावकों के आधार में त्रुटि होने व बिना लिंक वाले खातों में रकम ना पहुँच पा रही है, ऐसे बच्चों को ड्रेस से वंचित होना पड़ सकता है। जो है बच्चों को मिलती है कि स्कूलों में MDM भी चल रहा है और बच्चों की सामग्री भी मिलती है, ड्रेस भी मिलता है और ठंडा का मौसम भी शुरू हो चुका है। सरकार की मंशा थी कि ठंड शुरू होने से पहले जो है बच्चों को स्वेटर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं कि आप देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है विद्यालय आए हुए हैं और ठिठुरते हुए ठंड में आ रहे हैं और पैरों में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सब नंगे पैर आते हैं। वजह यह है कि यहाँ पे अभी तक की जो है स्वेटर और जूता मोजा का जो वितरण नहीं हुआ, क्योंकि इस बार सरकार की मंशा थी कि जो स्वेटर का और बस्ते का पैसा जो है अध्यापकों के खाते में भेजा जाए, लेकिन अभी तक की खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से जो है विद्यालय जो है नंगे पैर आ रहे हैं और बच्चों के जो है स्वेटर भी नहीं उपलब्ध हुए। तो जो यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे इनसे बात करते हैं, क्या नाम पता है? तो ड्रेस वेस तुम लोग वहीं पहन के आए, जूता भी नहीं पहुँचे पहने, तो ठंडक लगती है? क्या कहोगे बेटा तुम? मिलनी चाहिए, ठंड लगती है जी सर। क्या कहोगे बेटा? जूता मुझे नहीं मिला है। तुम क्या कहोगे बेटा? जूता मुझे नहीं मिला है, ठंड लगती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय आ रहे हैं ठिठुरते हुए ठंड में, और अभी तक की शासन द्वारा जो है पैसा इनके अध्यापकों के खाते में नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से जो है वो ठिठुरते हुए जो है विद्यालय आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उसमे जो है पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि अभिभावकों के खाते में नहीं, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही थी कि अभिभावकों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और बच्चों को ड्रेस भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जूता मोजा भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है शारदा न्यूज़ की टीम जो है दौली के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय में है, जहाँ पे जो है बच्चों से बात की गई। तो यहाँ पे बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की जो है अभिभावकों के खाते में पैसा नहीं पहुँचा है, बाकी बच्चों के खाते में धीरे धीरे पैसे जा रहे हैं और जैसे जाएंगे इन बच्चों को सूचना हम ही लोग के माध्यम से अपडेट बच्चों को दे दिया जाएगा और इन लोगों को यूनिफॉर्म, शूज और बैग इस बार खुद ही परचेज करना है। कितने परसेंट लोगों को मिला हुआ है यहाँ पे? अब इसी हफ्ते से सर जाना शुरू हुआ, अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अध्यापिका का साफ तौर पर कहना है कि जो खाते में पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जो है अभी जो है मुश्किल से 10% ही बच्चों के अध्यापकों के खाते में पैसा गया है, जिसकी वजह से जो है ठंड में विद्यालय आने में मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी रेहान खान के साथ विनय मिश्रा, शारदा न्यूज़।